हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का वीडियो पे आप लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आयरन मैन का एक पोर्ट्रेट देखेंगे, जिसको मैं एक्रेलिक कलर से करूँगा और 8x10 इंच का कैनवास मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और देखिए, आप में से बहुत लोग मुझको कमेंट पे बोलते हो कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है सर, कुछ टिप्स दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल देखता हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, नहीं होता है। किसी से भी कुछ सुन के या फिर ट्यूटोरियल देख के कभी भी उतना परफेक्ट तरीके से नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद ना प्रैक्टिस करें। और ख़ुद को टाइम देना पड़ेगा, ख़ुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये भी डेमो देते हो कि उन आर्टिस्ट का, जैसे कि आप एक मान के चलिए सौरभ जोशी या फिर शुभजीत मंडल आर्ट या फिर ऐसे करके बहुत आर्टिस्ट है, इन लोगों का आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, मैं कर नहीं पाता हूँ, तो ऐसे करके आप मुझको बोलते हो। देखिए, ऐसे करके जितना बोलेंगे उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो जिनके बारे में आप लोग बोल रहे हो, वो एक टाइम आप जैसे ड्राइंग करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आज इस जगह पे आए हैं। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ आपको डेवलप कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस। जितना भी आप मेरा बात सुनेंगे, मेरा ड्राइंग देखेंगे, किसी और का ड्राइंग देखेंगे, ट्यूटोरियल देखेंगे, कुछ भी डेवलप नहीं होगा। जितना आप खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे कि कैसे करके होगा, खुद स्किल नहीं लगाएंगे, तो कुछ भी नहीं बेनिफिट होगा आपका। तो हो पाए तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। और कुछ बेसिक सा टिप्स है, ट्यूटोरियल है, कुछ बेसिक सा नॉलेज चाहिए जो आप लोग यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख के या फिर कुछ किसी बड़े आर्टिस्ट से या फिर आपका सैड जी से सीख सकते हो, कुछ टिप्स वगैरह जान सकते हो कि कैसे करके यूज़ करना है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जो अभी ड्राइंग दिखाऊंगा उसमें कुछ मिस्टेक दिखाऊंगा जो बिगिनर्स लोग करता है। वो मिस्टेक करने के बाद वो लोग आर्ट ड्राइंग पूरा कंप्लीट नहीं करता है, ड्राइंग को वहाँ पर ही छोड़ देता है। बिना और बात करके अभी ड्राइंग को किया जाए और देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझिए, देखिए वीडियो। तो यहाँ पर है 8x10 इंच का एक कैनवास जिसको मैं मास्किंग टेप से चारों दिक में कवर कर लिया हूँ, और रेफरेंस पिक्चर का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से फर्स्ट लेयर ले लूँगा पिक्चर को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके, और देन आप लोगों के साथ बात होगा। देखिए फर्स्ट लेयर लेने के बाद ड्राइंग को देखने में कैसा लगेगा। तो देखिए, अब यह हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि ड्राइंग पूरा ख़राब हो गया है, पूरा बेकार हो गया है, और अगर आप मेरे जगह होते तो ड्राइंग को यहाँ पर ही छोड़ के उठ जाते, क्योंकि ऐसा लग रहा है ड्राइंग और नहीं हो पाएगा। बट ये एक्रेलिक कलर है और इस कलर का यही खास बात है कि आप अगर थोड़ा बहुत जगह पर कलर गलत भी करेंगे तो उसके ऊपर आप कलर ठीक कर पाएंगे। तो जितना भी आप खराब काम करते हो कोई बात नहीं, आप उस काम को पूरा कंप्लीट कीजिए, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ। अगर आप वाटर कलर से ट्राई कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को कलर बहुत ज़्यादा हल्का करके पानी के साथ यूज़ करके देन अप्लाई करना होगा। और ड्राइंग को जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करते हो तब तक उसका पूरा रियल लुक उभर के नहीं आता है। तो हो पाए तो आपका ड्राइंग भी अगर ऐसा करके ख़राब हो रहा है तो आप लोग हार मत मानना, पूरा वर्क को कंप्लीट करना। और हर टाइम जब भी आप लोग कोई कलर यूज़ करेंगे, पेंसिल कलर बोलिए कि वाटर कलर बोलिए, जो भी कलर यूज़ करेंगे वो हल्का करके लीजिए, डार्क करके मत लीजिए। अगर आप पूरा श्योर हो कि उस जगह पर डार्क अप्लाई होगा तो आप लोग डार्क करके ले सकते हो, बट अगर आप बिगिनर्स हो तो लाइटली काम कीजिए। तो अभी देखिए इसका फाइनल लुक कैसा आता है। We'll be right back.
थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करने में मुझे करीबन 4 आवर्स जैसा टाइम लग गया है। और देखिए, पेंटिंग अच्छा खासा ही होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करके उसको लेंगे। और हो पाए तो खुद का काम को रिस्पेक्ट कीजिए, जितना हो पाए रिस्पेक्ट कीजिए। जैसा भी काम हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा मत करना। और ख़ुद का ड्राइंग को किसी और के साथ कंपेयर मत करना, हो पाए तो खुद का काम को खुद के काम के साथ ही कंपेयर करना। जैसे कि आज का ड्राइंग के साथ आप आज से 3 महीने का पहले का ड्राइंग का कंपेयर कीजिए, या फिर हो पाए तो आप 3 महीने पहले जो ड्राइंग किए थे उसको ही फिर से सेम ड्राइंग को फिर से कीजिए, और दोनों में फ़र्क देखिए कि कौन सा वाला वेस्ट है, कितना डेवलप हुआ है। इससे आपका स्किल बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो खुद के काम के साथ खुद का काम का ही कंपेयर कीजिए, और दूसरे किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, और किसी को दिखाने के लिए काम मत कीजिए। अंदर से जो फीलिंग्स आएगा उसके ऊपर ही काम कीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा बात समझ में आया है। और अगर आप लोग मुझको सपोर्ट करना चाहते हो तो हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि इस चैनल का सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर जाएगा कभी। तो अगर आप लोग मेरे साथ में रहेंगे तो ज़रूर जाएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है, ड्राइंग को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर रेगुलर वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन क्लिक कर देना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, देखा होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। और अगर ड्राइंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यार कमेंट पे आप लोग मुझको बोल सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट पे बोल सकते हो। मैं सबका कमेंट का तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और जो भी मुझको ठीक लगता है कि इस चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उस चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल करके अपलोड करता हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।